हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज, लास्ट टू लास्ट संडे हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था, राइट? बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि तुम में से बहुत 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 कम लोगों ने आके मुझे बताया इंस्टाग्राम पे, अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। तो बहुत कम लोगों ने आके मुझे इंस्टाग्राम पे बताया कि उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, एक हफ्ते करने के बाद वो क्या फील करे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन लोगों ने मुझे बताया, पर बाकी बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया, तो मुझे बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। एनीवे, बातें बाद में। आज के लिए एक नया चैलेंज है, एंड द चैलेंज इज कि तुम्हें सो के उठने के एक घंटे तक अपना फ़ोन टच नहीं करना है। तो और ये रियल चैलेंज होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो बहुत लोगों ने बोला ये तो हमारे रूटीन का पार्ट है। एनीवे, लेकिन ये वाला चैलेंज जो है, मुझे इसलिए लग रहा है रियल चैलेंज होने वाला है, क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं उनकी आदत होती है सो के उठते ही सबसे पहले ऐसा व्हाट्सएप खोल के देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम देखते हैं या कुछ भी। तो द चैलेंज इज़ कि एक घंटा तक, सो के उठने के एक घंटे बाद तक तुम्हें अपने फ़ोन को टच नहीं करना है। हाँ, बहुत लोग अगर फ़ोन में अलार्म लगा के सोते हो, उसी की वजह से उठते हो, तो आराम से उठो, अलार्म ऑफ़ करो और बस हो गया, फ़ोन रखो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम टच कर सकते हो अलार्म ऑफ़ करने के लिए, तो आराम से अलार्म को ऑफ़ करो, स्नूज नहीं करना है, आराम से उसको करना है ऑफ़, एंड देन आराम से निकलो, अपना काम करो और इधर उधर करो, जो करना है करो, लेकिन एक घंटे तक तुम्हें अपना फ़ोन टच नहीं करना है। उठना कब है वो तुम डिसाइड करो, 8 बजे उठो, 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, जब भी उठो तब से लेके एक घंटे तक नो टचिंग, तो फ़ोन को टच नहीं करना है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, तुम खुद फील करोगे, एक हफ्ते करो और उसके बाद मुझे बताओ आकर के। और इस बार अगर किसी ने मुझे डिसअपॉइंट किया ना, तो मैं बताती हूँ सबको, एक एक ही खबर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। This is Aishwarya signing off. Bye bye.